भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विरोध की राजनीति नहीं करती, हम विरोधी पक्ष में है तो विरोध की राजनीति। भारतीय जनता पार्टी ने 3 साल से भी ज़्यादा इंतजार की कि 2019 के विधानसभा चुनाव में जनता से जो वादे किए, 3.5 साल होने जा रहे हैं, एक भी वादे उन्होंने नहीं। और मैं अभी पलामू के दौरा में था, जनता अपने आप को ठगा महसूस कर, जनता निराश, और प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर वृद्धा पेंशन तक, मैंने निचली कार्यालय से ऊपरी कार्यालय, छोटे अधिकारी से बड़े अधिकारी, बिना पैसे के कोई काम नहीं। और जनता के इन समस्याओं को देखते हुए एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका भारतीय जनता पार्टी निभाते हुए झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित 11 अप्रैल कल का दिन हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि कल ही सावित्री फुलके जी का भी जयंती है, उस्मान शिक्षाविद की जयंती के अवसर पर राज्य की इस निष्क्रिय निकम्मी भ्रष्टाचारी सरकार से मुक्ति दिलाने के, इस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कल लाखों के संख्या में न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी बल्कि आम जनता भी कल उपस्थित रहेगी। और सरकार को जो लोकतंत्र में जनता मालिक होता है, तो कल जनता माननीय मुख्यमंत्री जी का सचिवालय में कि मुख्यमंत्री का गद्दी आप छोड़िए, आप अनुभवहीन है, क्योंकि इन 3.5 वर्ष में जो कट्टर मुस्लिमवाद सोच, जिहादी मानसिकता के लोग झारखंड में जो सामाजिक सौहार्द है उसको भी खराब करने का काम है। आपने देखा 4-5 दिन पहले साहेबगंज में मंदिर को तोड़ा गया, नामकुम में भी मंदिर को तोड़ा गया। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।